उठाएं, लेफ्ट पैर को वापस से घुटने से मोड़ लिया है, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट पाम से पकड़ लिया और फिर उसके बाद लेफ्ट घुटने को ऐसे पकड़ लिया, या तो ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे घुमाएं, या थोड़ा और ला सकते हैं तो थोड़ा और पास ला के ऐसे घुमाएं, या कि फिर दोनों हाथों को ऐसे रैप करके फंसा सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर एक इंसान इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता और मैं चाहती हूँ कि किसी भी अभ्यास को कितना आसान तरीके से आपको बता दूँ कि आप वो सारे अभ्यास कर सके। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जिनके पैरों में दर्द होता है। अब ये पैरों में दर्द किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे आपकी जॉब ऐसी है कि दिन भर आपको खड़े रहना पड़ता है या दौड़ना भागना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, चाहे तो एजिंग की वजह से आपकी मसल्स बड़ी स्टिफ हो गई हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं बड़े स्टिफ हो गए हैं, या कि कोई माइनर ऐसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से आप ज़्यादा अपने पैरों को मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस आज मैं बता रही हूँ आज के अभ्यास में, या आपके पैर की उंगलियों को फ्लेक्सिबल और मोबाइल करेंगी, आपकी एंकल्स के आसपास के जो जॉइंट्स हैं उनको मोबाइल और फ्लेक्सिबल करेगी, घुटने के आसपास की मसल्स को रिलैक्स करेगी, साथ ही उन मसल्स पर जो थोड़ी बहुत टेंशन होगी उन आसपास की मसल्स से आपके घुटनों के जो दर्द है उसमें भी कमी देखने के लिए मिलेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारी प्रैक्टिसेस आज हम कुर्सी पर बैठे बैठे अभ्यास करेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, यानी इजी लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेस। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। चैनल में नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सबसे पहले हम ऐसे एक कुर्सी में बैठ जाएंगे। ऐसी कुर्सी मैंने इसलिए रखी ताकि आपको मेरे सारे स्टेप्स दिखें। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसी कुर्सी में बैठिएगा जिसमें आप अच्छी तरीके से सपोर्ट ले सके। ऐसी कुर्सी जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, ऐसी ना हो कि पीछे आप इस तरीके से रेस्ट करके बैठ जाएं, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। दोनों हाथों को इस तरीके से आप अपने घुटने के ऊपर रख लें और सबसे पहले ज़रा धीरे धीरे जेंटल प्रैक्टिसेस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी उंगलियों पर काम करते हैं, पैर की उंगलियों पर। अब पैर की उंगलियों पर काम करने के लिए धीरे से अपने पैर की एड़ियों को ऐसे उठाएंगे और अपनी बॉडी का वेट जो है अपनी उंगलियों पर ऐसे ट्रांसफर करेंगे, तो जिससे अंगूठा और पैर की सारी उंगलियों पर ऐसे वेट ट्रांसफर किया। तो ये जो वेट ट्रांसफर करें ये पैसिव वेट है, पूरी की पूरी बॉडी का वेट नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा जो वेट है हमने अपनी उंगलियों पर ऐसे ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद अपनी एड़ी को ड्रॉप किया, तो इस तरीके से 5 से 10 बार अपनी बॉडी का वेट सारी उंगलियों पर और अंगूठों पर इस तरीके से धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉप करने के बाद अब हमने उंगलियों को बाहर की तरफ से स्ट्रेच कर लिया, अब उंगलियों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो धीरे से ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे उंगलियों को अंदर, तो अब क्या हुआ कि सारी की सारी उंगलियां अंदर की तरफ दब गई, जिससे कि पूरे के पूरे पैर के पंजों पर अच्छा स्ट्रेच आ गया ऐसे। फिर उसके बाद फिर से रिलीज कर दें, इसका भी अभ्यास 5 से 10 बार कर लें। इस तरीके से उंगलियां अंदर की तरफ खींच गई, एड़ियां ऊपर की तरफ है ऐसे। फिर उसके बाद वापस से ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें फिर से उसके बाद। तो इसका अभ्यास 5 से 10 बार हमने करना है ताकि पूरी की पूरी उंगलियां जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं ऐसे। अब अपने पैर की उंगलियों को ऐसे ऐसे पैर को उठाएं और उंगलियों को अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करें, ऐसे रिलीज कर दें, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलीज करें। इसका भी अभ्यास 5 से 10 बार ऐसे कर लें, ऐसे रिलीज कर दें, 5 से 10 बार ऐसे करें और फिर रिलीज कर दें। फिर उसके बाद अपने पैर के पंजों को ऐसे मैट पर रख दें। अब धीरे से अपने एड़ी को उठाएं। अब उंगलियों पर वेट नहीं दिया है आपने, उंगलियों पर वेट ना देके आपके पैर के जो पंजे हैं ना आगे का हिस्सा है यहाँ पर वेट को ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ एड़ियों को उठाया है। तो इस तरीके से एड़ी को उठाया, एड़ी को ड्रॉप कर दिया, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसी तरीके से अपनी पैर के पंजों को उठाएंगे, बॉडी का वेट एड़ियों पर शिफ्ट करेंगे, कैसे, 1, 2, तो एंकल्स पर बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा है, 3, 4 ऊपर की तरफ एंड 5। अब फिर इस तरीके से ड्रॉप कर दें, तो आप इतने अभ्यास से देखेंगे कि उंगलियों के आसपास
और जो ये पैर के ये सारे के सारे जॉइंट्स हैं ना, इनमें बहुत अच्छा एक्टिवेशन हो गया है, एंकल्स पर बहुत अच्छा एक्टिवेशन। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने ये सिर्फ जेंटल वार्म अप किया है। अब धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को ऐसे उठाया और अंदर बाहर बिना किसी सपोर्ट के अंदर बाहर 5 से 10 बार इस तरीके से खिंचाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एंकल्स के साथ साथ आपकी काफ मसल्स यानी ये जगह और घुटने और थाइस पर भी इसका अच्छा इफेक्ट आएगा। तो पहले एक एक पैर से ऐसे अंदर बाहर एंकल्स को खींच रहे हैं। अब इसके बाद राइट को ड्रॉप कर दिया, लेफ्ट को 1 2 सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहेंगे 3 4 एंड 5। फिर जिसको ड्रॉप कर दिया, अभी मैं सारे अभ्यास आपको 5 बार राउंड करके बता रही हूँ ताकि आप इसका अभ्यास अच्छी तरीके से समझें और खुद जब करें तो 10-10 बार करें। अब इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उठा के बाहर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ 3 4 एंड 5। अब वापस से अपने पैरों को इस तरीके से कुर्सी पर ड्रॉप कर दें। अब हम इनका एंकल्स का रोटेशन करेंगे। रोटेशन जब आप करते हैं ना, तो इससे सारी की सारी, जब आप ऐसे अंदर बाहर खींच रहे थे तो इसका इफेक्ट आप तुरंत, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तुरंत ये एक्सरसाइजेस साथ साथ में करें। तो इस तरीके से उठाया और क्लॉकवाइज रोटेशन 1 2 क्लॉकवाइज घड़ी घूमने की दिशा में 3 4 और 5। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में 1 2 3 4 और 5। तो ना सिर्फ एंकल बल्कि घुटने पर भी इन सारी प्रैक्टिसेस का बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और जो भी थकान है वो छू मंतर हो जाएगी। अब लेफ्ट पैर से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो जिन भी लोगों को उठने बैठने में बड़े हड्डियों में से कट 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 की आवाज़ आती है या कि बड़ा उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस करते रहिए और आपको कुछ ही दिनों में बड़ा लाभ मिलेगा। अब दोनों पैरों को एक साथ क्लॉकवाइज 10 times क्लॉकवाइज रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 360 degree 9 and 10 एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरों को जोड़ लिया है 1 2 3 पूरे डायरेक्शन में अच्छी तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे ना, तो इसका इफेक्ट पूरे पैरों पर, एंकल्स पर, काफ पर, घुटने पर 3 2 और 1। अब अपने पैरों को ड्रॉप कर दें। इतना करने मात्र से, अगर आप ये एक्सरसाइजेस अभी कर रहे होंगे ये वीडियो देखते देखते, तो बड़ा एक्टिवेशन बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। पूरी थाई की मसल्स बड़ी अच्छी तरीके से खींच गई है और कुछ ही दिनों में जो बड़ी थकान हो जाती है ना, वो थकान गायब होगी। अब चलिए, अब हमने अपने पैरों पर ये काम कर लिया, कुर्सी पर रखे। अब धीरे से अपने राइट पैर को ऐसे उठाएँ और उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे, दोनों उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे, थाई के नीचे रखें ऐसे और सामने देखें। कभी भी कमर को ऐसे ना झुकाएं, कमर को ऐसे सीधा रखें हमेशा, बहुत ऐसे तन के भी ना रहें, हल्का सा मतलब नेचुरल लगे। दोनों उंगलियों को फंसा लिया, थाई को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आ गए। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इससे क्या होगा, घुटने के आसपास की जो मसल्स हैं, थाई की मसल्स हैं, घुटने के नीचे की मसल्स हैं, उनमें बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। और यही सारी प्रैक्टिसेस तो हैं जो घुटनों में दर्द को कम करती हैं, ऊपर नीचे। तो इसका भी अभ्यास हम 10 times कर लेंगे। सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। अगर आपको सांसों का इंटरवेंशन नहीं रखना है तो नॉर्मल सांसें लेते हुए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर इस पैर में दर्द हो गया होगा, अब इस पैर को मैट पर ड्रॉप कर दें, ज़मीन पर ड्रॉप कर दें। फिर दूसरे पैर को इसी तरीके से उंगलियों से फंसाया और फिर सामने देखें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें,
सांस छोड़े ऐसे सामने देखते हुए, और अगर आपको सांसों पर नहीं कुछ काम करना है तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस तरीके से आराम से। और ये सारे अभ्यास तो आप पार्क में भी बैठ के कर सकते हैं, आप में से बहुत से लोग पार्क भी जाते होंगे तो पार्क की कुर्सी में बैठ के इस तरीके से अभ्यास करें। लेकिन ध्यान दें, पैर को कोशिश करें ऐसे पूरा सीधा करें और फिर ऐसे ड्रॉप करें दो बार, और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो अब लेफ्ट पैर में दर्द हो गया होगा, लेफ्ट पैर को मैट पर ड्रॉप कर दें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। तो डजंट मैटर आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है तो वो आपको सबसे पहले डिस्कस करना है क्लास ज्वाइन करने से पहले। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ और उनको उनकी हेल्थ कंडीशन से उभरने में मदद करती हूँ। अब वो हेल्थ कंडीशन चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक कंडीशन हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, ओबेसिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, पीरियड्स की समस्या, मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, इन सारी समस्याओं से उबरने में योग आपको बहुत मदद करता है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसके साथ योग का अभ्यास करें, आप देखें कितनी आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं सुबह 7 से 8, तो मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं बिगनर्स के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। इन कोर्सेज की जो जानकारी है मेरी वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगी। इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस वक्त ज्वाइन करना है। जब भी आपको वक्त मिले, इन कोर्सेज को परचेस करने के बाद आप अपना लॉगिन करें आईडी और पासवर्ड डाल के, और इन कोर्सेज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। जब इन कोर्सेज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको मेरे वेबसाइट जो कि www.yogawithshahida.com है वहां पे मिल जाएगी, या कि आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो मेरी टीम के द्वारा, जो ये नीचे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मेरी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। अब वापस से राइट पैर को उठाएं, फिर से उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ें और सामने देखें। अब क्या करेंगे, पहले अप एंड डाउन किया, तब राइट एंड लेफ्ट, ऐसे 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 जितना हो सके, ऐसे ऐसे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, और फिर उसके बाद ड्रॉप कर दें। राइट पैर से काम कर लिया है, अब यही काम हम लेफ्ट पैर से करेंगे। उंगलियों को फंसाएं फिर से ऐसे, और चेस्ट की तरफ अपनी थाई को लाएं, ऐसे बाहर ना रखें, चेस्ट की तरफ पूरी थाई लाएं ताकि पैर एकदम ढीला हो जाए, और फिर अंदर अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे धीरे धीरे 5 से 10 बार अभ्यास। बस मात्र इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, और कुर्सी में बैठे बैठे सारा अभ्यास हो रहा है। किसी से गप्पे मारना है वो भी बैठे बैठे आप गप्पे भी मार सकते हैं, पार्क में हुआ ना एक पंथ दो काज। तो दोनों पैरों पर बड़ा अच्छी जान आ गई है, घुटनों के आसपास की मसल्स बड़ी ही अच्छी गर्माहट हो रही होगी। अब ज़रा घुटनों के आसपास की मसल्स पर थोड़ा और काम करेंगे ऐसे ही कुर्सी में बैठे बैठे। सारे अभ्यास आपको कुर्सी में बैठे बैठे ही बताऊंगी ताकि आप बड़े आसानी से अभ्यास कर लें। फिर से उंगलियों को फंसाएं, और उंगलियों को फंसा के थाई के नीचे ऐसे रखें, और फिर से अपनी थाई को चेस्ट की तरफ लाएं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़े लोग सिर्फ ऐसे दूर रखेंगे थाई को अपनी चेस्ट से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थाई को चेस्ट के पास लाएं ताकि घुटना जो है पूरा का पूरा फ्री हो जाए। अब सामने देखें, अब ये सारी रोटेशन पहले अप एंड डाउन की थी, राइट एंड लेफ्ट की थी, अब सबको एक साथ मिला दें। कैसे, ऊपर राइट डाउन लेफ्ट क्लॉकवाइज, ऐसे अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, घड़ी घूमने की दिशा में 12 बजे 3 बजे 6 बजे 9 बजे 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी घूमने की दिशा में 1 2 3 4, और बहुत से लोग क्या करेंगे ऐसे कंजूसी करेंगे, ऐसे धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं करना है, पूरा घुमाना है, कंजूसी नहीं, पूरा धीरे धीरे, पूरा बड़ा चक्कर, जितना बड़ा चक्कर बना सकते हैं ना उतना बड़ा चक्कर, ऐसे ऐसे
अब इस पैर में दर्द हो गया होगा तो क्लॉकवाइज करने के बाद इस पैर को ढीला छोड़ दें, मैट पर रख दें। अब फिर से लेफ्ट पैर पर काम करेंगे, उंगलियों को फंसाया, अब थाई को चेस्ट की तरफ पहले लाइए, ये जरूरी है ऐसा। अब फिर से 12 बजे वाला काम करते हैं, घड़ी वाला काम करते हैं। ऊपर 12 बज गए, 3 बज गए, 6 बज गए, 9 बज गए। जैसे आप सभी रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, तो अभी भी किसी किसी पुराने रेलवे स्टेशन में वो बड़ी वाली घड़ी आपको याद है, ब्लैक एंड वाइट, तो उसी को इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने है और 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, पूरा चक्कर बनाए, बड़ा चक्कर इस तरीके से, इतना बड़ा चक्कर कि आपको इसका जो एक्सरसाइज का इफेक्ट है पूरे घुटने के आसपास महसूस हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब हमने अपने लेफ्ट पैर पर भी काम कर लिया है क्लॉकवाइज, अब हम अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर देंगे। अब हम वापस से ये काम राइट पैर से करेंगे, अब घड़ी घूमने की ऑपोजिट दिशा में। तो फिर से वो रेलवे स्टेशन वाली घड़ी को इमेजिन कीजिए, और अगर वो घड़ी आपने नहीं देखी है तो अपने चेहरे के सामने ही एक बड़ी सी घड़ी इमेजिन कर लीजिए। फिर से 12 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 3 बजे, अब घड़ी घूमने की उल्टी दिशा में। समझिए कि आपकी घड़ी जो है वो खराब हो गई है, अब ये उल्टी घूम रही है, पहले सीधी घूम रही थी, अब ये घड़ी उल्टी घूम रही है ऐसे। 3, 4, 5, छोटा छोटा मत बनाइएगा वरना गलती हो जाएगी, फिर वो काम नहीं होगा जो आप काम कर रहे थे, तो कंजूसी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए पूरा का पूरा 360 डिग्री ऐसे। अब अपने राइट पैर को मैट पर रख दें। अब इसमें थकान हो गई होगी, इतना अभ्यास से आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि कितनी अच्छी थाइस पर काम कर लिए। अब एंटी क्लॉकवाइज, 12 बजे उल्टी घड़ी घूम रही है, 9 बजे, 6 बजे, 3 बजे ऐसे, यानी वक्त अब रिवर्स जा रहा है। कितना अच्छा होता ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने पहले के दिनों में पहुंच जाएं, तो ये पहले के दिनों में जा रहे हैं। पूरा चक्कर बनाइए जितनी जल्दी जिसको पहले के दिनों में जाना है इस तरीके से। बहुत से लोग तो नहीं भी जाना चाह रहे, कोई बात नहीं, पैरों को घुमाएंगे इस तरीके से। अब हम अपने पैरों को अपनी मैट पर ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए अच्छी तरीके से हमने अप एंड डाउन कर लिया, राइट एंड लेफ्ट कर लिया, क्लॉकवाइज कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। इसकी वजह से बड़ा ही आप टेंशन महसूस कर रहे होंगे, थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे होंगे। अब ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं। अब क्या करेंगे कि अपने राइट पैर के पंजे को हमने लेफ्ट थाई के ऊपर रख दिया, बहुत ऊपर मत रखिएगा, घुटने और थाई के जस्ट बीच में, यहाँ पे इस जगह पे। अब अपने राइट हाथ की हथेली को राइट घुटने के ऊपर रख लें, लेफ्ट हाथ की हथेली को लेफ्ट फुट पर इस तरीके से रख लें, और फिर धीरे धीरे ऐसे पुश करें नीचे की तरफ, ऐसे इस तरीके से, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे पुश करें धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दो बार और 1, 2, 3, 4। इससे क्या होगा, घुटने के आसपास की जो मसल्स में ना बड़ा अच्छा खिंचाव होगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। और फिर उसके बाद राइट पैर को मैट पर ड्रॉप कर दिया। अब लेफ्ट पैर के पंजे को, लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखा, घुटने से स्लाइटली ऊपर और थाइस के थोड़ा सा नीचे, बहुत ऊपर मत रख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि घुटने में अगर ऑलरेडी बहुत दर्द है ना तो आपको वो तकलीफ देगा, तो इसीलिए मैं नीचे रखने के लिए बोल रही हूँ। अब अपने राइट पाम को राइट फुट पर, लेफ्ट पाम को लेफ्ट नी के ऊपर रखा, अब धीरे धीरे पुश करेंगे इसको फिर से 10 बार, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दो बार और 1 और 2। अब ध्यान दीजिए कि बहुत से लोग क्या करेंगे ना, एकदम जोर लगा देंगे, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि पूरा झूला नहीं झूलना है आपको, झूला नहीं झूल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ अपने ज़्यादा दबाव नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ अपने घुटनों पर हल्का सा पुश करना है, तो इसका इफेक्ट ही आपके घुटने पर ऐसे धीरे 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 इस तरीके से। आप अपने पैर को मैट पर ड्रॉप कर दें। अब जो हम अगला अभ्यास कर रहे हैं ना, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से घुटनों पर, एंकल्स पर और साथ ही हिप जॉइंट्स पर आपके बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच आएगा।
अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़े, राइट पैर को घुटने से मोड़ने के बाद अपने लेफ्ट पाम से राइट फुट को पकड़े और राइट पाम से राइट नी को पकड़े ऐसे, और धीरे धीरे सामने देखते हुए अपनी जो काफ मसल्स है ना, पिडलिनी है, इसको चेस्ट की तरफ लेके आए, कैसे, ऐसे धीरे 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 ऐसे, और फिर दूर लेके जाएं, फिर धीरे धीरे पास लेके आए और फिर दूर लेके जाएं। लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कमर ऐसे झुकी ना हो, कमर एकदम सीधी और बहुत तनी ना हो, ऐसे ऐसे सेंटर पे सांस लें बाहर और सांस छोड़े काफ टू द चेस्ट जितना हो सके। बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी कम होगी या घुटनों में बहुत दर्द हो तो बहुत खींचतान ना करें, शरीर आपका है, पैर आपका है, तो आराम से खींचे इसको, धीरे धीरे काफ को चेस्ट की तरफ ऐसे, फिर बाहर, फिर ऐसे, फिर बाहर, फिर अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, और अपने राइट पैर को आराम से मैट पर रख दें। फिर अपने लेफ्ट पैर को उठाएं, अब लेफ्ट फुट को राइट पाम से पकड़ लिया, अंदर की तरफ से ऐसे, बाहर की तरफ से ऐसे पकड़ें और अपने लेफ्ट नी को लेफ्ट पाम से पकड़ा, सामने देखिए और थोड़ा सा ऐसे सेंटर पर उठा के रखिए। अगर ये ज़्यादा करीब ना आ पाए कोई बात नहीं, इतना आए इतना भी चलेगा। बाहर अंदर, बाहर सांस ले लें, सांस छोड़ें, सांस ले लें, सांस छोड़ें, सांस ले लें, सांस छोड़ें। अगर ये इतना करीब ना आ पाए तो कोई बात नहीं, इतना लाएं, इतना लाएं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, जितना भी आपका सामर्थ हो उतना ही अभ्यास करेंगे, ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद वापस से अपने लेफ्ट पैर को भी मैट पर ड्रॉप कर देंगे। अब हमने पिछला अभ्यास किया आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से, अब हम राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट इसी अभ्यास को करेंगे। तो अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ा, वापस से ऐसे हमने अपने राइट पाम से राइट नी और लेफ्ट फुट को, राइट फुट को लेफ्ट पाम से पकड़ लिया। ये तो हुआ मैंने पिछले अभ्यास में बताया। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी अपने लेफ्ट जो एल्बो की ये जगह आई ऑफ योर एल्बो है, इसको आराम से राइट फुट के यहाँ पर टक कर लेंगे और इस तरीके से राइट पाम को भी, दोनों को एक दूसरे के साथ लाते हुए ऐसे रैप कर लीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तभी, नहीं है तो वही जो हमने पिछला अभ्यास किया था ऐसे। तो अब जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो, जितना भी आप कंफर्टेबल हो ऐसे, अब इन एंड आउट ऐसे, 1 2 अंदर बाहर, अंदर बाहर ऐसे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अगर ये ना हो पा रहा हो, ऐसे लॉक ना हो पाए उंगलियां, तो राइट हाथ से राइट घुटना, लेफ्ट पाम से और राइट फुट को पकड़ लिया पैर के पंजे को और ऐसे अंदर बाहर, 1 2 1 2 1 2 ऐसे झूला झूलाना है, जैसे कभी बचपन में आपने जैसे बच्चों को खिलाया हो तो बच्चे कैसे रोने लगते हैं, उनको चुप करवाने के लिए हम उनको अंदर बाहर ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना, उस तरीके से अब अपने राइट को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें। अब लेफ्ट पैर को उठाएं, लेफ्ट पैर को वापस से घुटने से मोड़ लिया है, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट पाम से पकड़ लिया और फिर उसके बाद लेफ्ट घुटने को ऐसे पकड़ लिया, या तो ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे घुमाएं, या थोड़ा और ला सकते हैं तो थोड़ा और पास ला के ऐसे घुमाएं, या कि फिर दोनों हाथों को ऐसे रैप करके फंसा सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर एक इंसान इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता और मैं चाहती हूँ कि किसी भी अभ्यास को कितना आसान तरीके से आपको बता दूँ कि आप वो सारे अभ्यास कर सके ऐसे, और फिर उसके बाद अपने पैर को वापस से मैट पर ड्रॉप कर दें। दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताए गए सारे प्रैक्टिसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने एक ही जगह पर बैठे बैठे आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपने पैरों के जितने भी जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं उनको रिलैक्स भी कर सकते हैं और उनकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं ये सारी प्रैक्टिसेस करके। आशा करती हूँ ये प्रैक्टिसेस आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करेंगे, कुर्सी में बैठे बैठे किसी भी वक्त कर लीजिए, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे चाहते हैं आप मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आशा करती हूं आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा, इस चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिए,
अभ्यास की निरंतरता बनाए रखिए, हर रोज योग का अभ्यास कीजिए। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।